तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है मैं दरअसल हिडन लोकेशन और टूरिस्ट लोकेशन वगैरह देहरादून में वीडियो वगैरह बनाते रहता हूँ, बाकी जॉब वगैरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। वैसे कल तो मैं दोस्तों आपका आपका ऋषिकेश वगैरह भी गया था, तो मैंने ऋषिकेश का भी ब्लॉग वगैरह बनाया। कल मैं ऋषिकेश में भी लाइव वगैरह आया था। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो और बना रहा हूँ मैं। दरअसल दोस्तों एक जगह काफ़ी अच्छी है और ये जगह दोस्तों देहरादून में। तो मैं दोस्तों एक बार पहले आपको नज़ारा वगैरह दिखा देता हूँ चारों ओर से। तो मैं आपको पहले जगह बता देता हूँ, ये जगह दरअसल कहाँ पर पड़ती है। ये जगह है दोस्तों पौधा। आप कहोगे कि दोस्तों ये पौधा कोई जगह है, ये तो हमारे आसपास लगे हुए होते हैं पौधा। तो दोस्तों दरअसल ये आपका जो पौधा एक नाम है, जैसे लोकेशन का नाम होता है ना, हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून, उत्तराखंड, तो उसी प्रकार से पौधा एक जगह है। तो काफ़ी सुंदर जगह है, देख लो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ चारों ओर, देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर जगह है। बाकी ये पड़ेगी आपके दोस्तों देहरादून में। देहरादून में कहाँ पर दोस्तों? सिद्धू वाला, आपने नाम सुना होगा। जब आप सिद्धू वाला की तरफ से यूपी कॉलेज की ओर कहोगे, यहाँ पर देहरादून में काफ़ी यूपी कॉलेज, मतलब दो यूपी कॉलेज है, काफ़ी फेमस है, बाकी बहुत बड़े कॉलेज वगैरह आप आ सकते हो। तो उसी में ही ये पड़ती है दोस्तों, सिद्धू वाला से आके, यूपी कॉलेज से आके आपको कंडोली, कंडोली आता है ये विलेज, तो कंडोली में, कंडोली विलेज के अंदर पड़ता है दोस्तों ये जगह पौधा। तो काफ़ी सुंदर जगह है पौधा, तो नाम में ही दोस्तों पौधा है, तो पौधा तो नाम अच्छा ही है दोस्तों। तो मैं आपको बाकी जगह वगैरह दिखाता हूँ किस प्रकार से जगह ना। ऐसे दोस्तों ऐसी नदी है, देखो पौधा की नदी, पौधा दोस्तों। बाकी आप कहोगे तो नदी है, आप कहोगे कि मैं इसको पौधा बोल रहा हूँ दोस्तों, दरअसल ये जगह का नाम पूरा पौधा है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन है। बाकी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ वगैरह और दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों आपको ये दिख रही है, ये दोस्तों चप्पल वगैरह, यदि आपको चप्पल की आवश्यकता है तो आप यहाँ से ले जा सकते हो, काफ़ी सुंदर है। बाकी मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी जूते वगैरह पहने, नहीं तो मैं आपको दोस्तों यहाँ से ले जाने देता, चप्पल वगैरह आप ले जा सकते हो कभी भी। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। बाकी ये है दोस्तों नारियल, मुझे यहाँ पर एक नारियल पड़ा मिला, देखते हैं ये सही नारियल है ख़राब नारियल है। अच्छा नारियल तो दोस्तों ये सही है, इस प्रकार से नारियल वगैरह मिला है, देख आप देख सकते हो नारियल है ये, बाकी ठीक तो है दोस्तों देखने में। बाकी यदि आपको खाना होगा तो आप खा सकते हो, देखो इतना अच्छा नारियल मिला है, वो भी ऐसी लोकेशन में दोस्तों खाने के लिए। बाकी मुझे एक थाली भी मिली है दोस्तों, ये देख रहे हो थाली दोस्तों, यदि आपको थाली वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर से थाली भी ले जा सकते हो, काफ़ी अच्छी थाली है। मैं तो सो रहा हूँ, मेरे काम आ जाएगी ये थाली, इसको बैग में रख लेता हूँ, किसी ने देखा तो नहीं। हाँ दोस्तों किसी को नहीं देख रहा, इसको मैं बैग में रख लेता हूँ, ये थाली और ये नारियल, मेरे दो चीज़ें हो गई दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें मिल गई। बाकी आपको मैं नज़ारा वगैरह दिखा देता हूँ इस प्रकार से, ये सुंदर लोकेशन दोस्तों, तो आप कभी भी आ सकते हो पौंधा में। बाकी ये नदी का दोस्तों पानी देख सकते हो, काफ़ी पानी साफ़ है ये, यदि आप यहाँ पर नहाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर नहा भी सकते हो, पानी वगैरह काफ़ी साफ़ है। बाकी मेरे ख्याल से तो दोस्तों मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, लेकिन मैंने ये नदी को अभी वगैरह हाल ही में बहते हुए देखा ना, क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ पर पानी वगैरह नहीं आता है ज़्यादातर, लेकिन आज जो है ये बरसात का ज़्यादातर पानी इकट्ठा हुआ है ना। तो वैसे तो नदी है काफ़ी अच्छी है, लेकिन कोई इसमें गंदगी वगैरह नहीं है। यदि आप यहाँ आना चाहते हो, घूमना चाहते हो तो दोस्तों घूम सकते हो, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। बाकी नदी है, यहाँ पर आपको सामान भी मिल जाएंगे दोस्तों, यदि आपको नारियल वगैरह चाहिए तो दोस्तों नारियल भी ले जा सकते हो आप यहाँ पर से, नारियल है और एक ये थाली वगैरह है। तो दोस्तों मेरा तो इंतज़ाम हो गया, खाने के लिए थाली का हो गया और एक नारियल हो गया खाने के लिए, दो चीज़ें ये मैं बैग में रख लेता हूँ अपने। और बाकी दोस्तों आपको और भी चीज़ें मिलेगी, एक नारियल एक ये भी है दोस्तों, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी, एक नारियल ये भी है दोस्तों, एक नारियल का जुगाड़ और हो गया दोस्तों, एक नारियल ये भी है, मेरे तीन दो नारियल हो गए दोस्तों यहाँ पर। यदि आप ऐसी आना चाहते हो तो आपको भी काफ़ी सारे नारियल मिल जाएंगे, आप ले जा सकते हैं इनको। बाकी जगह वगैरह देख सकते हो आप चारों ओर से, काफ़ी सुंदर लोकेशन है। बाकी किनारे किनारे जंगल वगैरह है, तो नदी वगैरह है दोस्तों सामने, तो आप देख सकते हो चारों ओर का नज़ारा दोस्तों। ये पौधा में दोस्तों आपका स्वागत है, तो आप देख सकते हो नदी वगैरह चारों तरफ नदी है दोस्तों, काफ़ी पानी वगैरह काफ़ी साफ है, आप आ सकते हो कभी भी। बाकी पानी वगैरह बहुत ही क्लियर है दोस्तों, आप यहाँ से नीचे देख सकते हो पानी वगैरह, नदी का काफ़ी सुंदर पानी है, लेकिन हाँ दोस्तों पानी वगैरह काफ़ी साफ़ है। दरअसल ये बरसात का पानी है ना, तो वैसे तो ये नदी आती नहीं है, क्योंकि बरसात में दोस्तों ये नदी वगैरह आई है,
बाकी आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर नदी है। ऐसा नहीं दोस्तों इस नदी में कोई गंदगी वगैरह है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पानी भी काफ़ी साफ़ है। ये आप देख सकते हो कि इसका पानी भी काफ़ी साफ़ है दोस्तों, तो आप इसका पानी देख सकते हो। बाकी रास्ता वगैरह भी देख सकते हो, चारों ओर से रास्ता वगैरह भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बाकी इधर आपको घर मिल जाएंगे घूमने के लिए, घर है ना रेस्टोरेंट वगैरह जैसे हैं। यदि आप यहाँ पर चाउमीन वगैरह या पार्टी वगैरह करना चाहते हो दोस्तों, पार्टी वगैरह भी कर सकते हो। बाकी चारों ओर जंगल वगैरह काफ़ी सुंदर लोकेशन है। बाकी पार्टी के लिए घर वगैरह हो गए, यहाँ पर पिकनिक वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से नज़ारा है दोस्तों इसका चारों तरफ से, आप आ सकते हो कभी भी। बाकी ये नारियल और थाली तो मैंने रख ली है तो मेरे काम आ जाएंगे दोस्तों। और ये दरअसल मैंने एक न्यू बैग लिया है, तो आप देख सकते हो कैप्टन अमेरिका का बैग वगैरह है। तो काफ़ी सुंदर लोकेशन है दोस्तों, बाकी मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज, वैसे तो मैं देहरादून की ज़्यादातर वीडियो वगैरह बनाता हूँ, लेकिन आज दोस्तों मैं आपको एक काफ़ी सुंदर जगह, शांत जगह और अच्छी जगह लेके आऊँ दोस्तों। तो इस नदी, इस जगह का नाम है दोस्तों पौधा। दरअसल ये पौधा दोस्तों, ये जो आपने पेड़ पौधे वाले सुने होंगे, दरअसल ये पौधा वो नहीं है, ये दरअसल ये लोकेशन का नाम है दोस्तों पौधा वगैरह। यदि आप कभी आना चाहते हो तो आ सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी लोकेशन वगैरह। बाकी मैं एक बार इसकी लोकेशन बता देता हूँ, ये आपका पड़ता है देहरादून में सिद्धू वाला, एक लोकेशन पड़ती है सिद्धू वाला की तरफ से। जब आते हो तो आपको दोस्तों बिदौली आना पड़ेगा। बिदौली में भी दोस्तों आपको आना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं UPS कॉलेज पड़ता है। UPS कॉलेज काफ़ी है दोस्तों, यहाँ पर जाना माना कॉलेज है, UPES कॉलेज है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप भी आ सकते हो। बाकी ये जो कॉलेज है दोस्तों, ये जो लोकेशन है दोस्तों, इसी कॉलेज के पास में पड़ती है। बाकी ये जगह का नाम पौधा है दोस्तों, काफ़ी अच्छी लोकेशन वगैरह। बाकी आप देख सकते हो नज़ारा वगैरह चारों ओर से ना, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सामान मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप कभी भी आ सकते हो, आपको यहाँ पर बहुत सारे सामान वगैरह मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी जगह है। बाकी